मंगलवार को नवरात्रि के छठवें दिन जो कि माता कात्यायनी देवी का दिन कहलाता है। माता कात्यायनी देवी का जन्म ऋषि कात्यायनी के घर हुआ था। माता कात्यायनी की पूजा आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे शुभ दिवस पर सरोधी कबीर धाम के कृषक केशवराम पोर्ते ने जीविकोपार्जन हेतु मेघराज गोयल एंड कंपनी बरनाला पंजाब स्थित औद्योगिकी के द्वारा निर्मित सेल्फ प्रोपोल्ड मिनी कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन विकास 3150 की खरीदारी की। नवरात्रि के छठवें दिन जो कि माता कात्यायनी देवी का दिन माना जाता है। माता कात्यायनी देवी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था। माता कात्यायनी की पूजा आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे शुभ दिवस पर परसरोधी कबीर धाम के कृषक केशव राम पोर्ते ने जीविकोपार्जन हेतु मेघराज गोयल एंड कंपनी बरनाला पंजाब स्थित औद्योगिकी के द्वारा निर्मित सेल्फ प्रोपोल्ड मिनी कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन विकास 3150 जो कि दिखने में ट्रैक्टर चलित है लेकिन किर्लोस्कर के इंजन को ही सीधा इस्तेमाल कर कम कीमत में सावधाना प्रदान करने वाली बहुफसली यंत्र का निर्माण कर लघु कृषकों को स्वावलंबी बनाने में मेघराज गोयल एंड कंपनी मील का पत्थर साबित हो रही है। आज इस महंगाई के दौर में कम कीमत में कम ईंधन की खपत में श्रेष्ठ यंत्र का निर्माण कर देश के कृषकों को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का अनुकरणीय कार्य लगातार कर रही है। यंत्र की डिलीवरी प्रदान करते हुए शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सागर ऑटोमोबाइल के संचालक अश्वनी साहू एवं यंत्र की डिलीवरी करते हुए केशव राम पोर्ते, धुलेश्वर धुर्वे, हेमंत पटेल, अहमद रब्बानी एवं कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्य लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक हेमचंद गुप्ता, मैकेनिक किशोर निषाद एवं बरमेचा एलिवेटर्स के निरीक्षक अजय चौधरी, कनिष्ठ अभियंता अमर यादव आदि इस दौरान शामिल रहे। विकास 3150 सेल्फ कंबाइन मशीन जब खेतों में लहराते हुए फसलों को अपने दामन में इकट्ठा करती है तो अपने ऑर्गन के द्वारा दानों को ट्रॉली में स्थानांतरित करती है। तब ऐसा दृश्य देखने से अनायास ही मानव मात्र का मन प्रफुल्लित होकर श्रृंगार रस से भर जाता है। बहरहाल सेल्फ प्रपोल्ड मिनी कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन खरीदकर वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने लगे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।